रहीम दी मैजिक ग्रुप रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त ब्रिटिश होम में आया हूँ। ब्रिटिश होम में मेरा एक बच्चा पढ़ता है, मैंने फ़ीस वगैरह भी देनी थी, बिजली के बिल वगैरह भी जमा कराए हैं, तो अभी मैं इधर आया हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कूल है। ये बच्चे मेरे स्कूल में 2004 से पढ़ रहे थे, माशाल्लाह बड़े बच्चे भी इधर ही पढ़े हैं, अभी छोटा बच्चा भी इधर ही है। एक बिजली का बिल दिया है आज, उसके बाद जो है आज क्या कहते हैं फीस देनी थी, इसलिए इधर आया हूँ। देखता हूँ सर कहाँ पे, अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, सर से खुद भी मिलता हूँ, आपको भी मिलाता हूँ। ये अंदर ही आ गया, ये क्लासरूम भी अंदर है, इनसे मिलके बड़ी खुशी होती है। माशाल्लाह मेरे बड़े बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़े हैं, अब एक छोटा है वो भी माशाल्लाह इसी में पढ़ रहा है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। और आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, सब खैरियत सब ठीक है, शुक्र अल्लाह। सर आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है जी। और इनमें ख़ास बात ये है कि ये खुद बहुत ड्यूटी देते हैं। मैं जिस वक्त भी बच्चे को छोड़ना आता हूँ, सुबह तकरीबन 7:30 बजे ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। यही बात है जी, मेहनत करेंगे तो माशाल्लाह वो क्या कहते हैं नाम भी बनता है, कामयाबी भी होती है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अभी बाहर आ गया हूँ, बाहर निकला हूँ, मुझे सामने एक बैनर नज़र आया जिसका इन्होंने वो लगाया हुआ है, जो बच्चों का रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने। और इन्होंने सामने एक बिल्डिंग तैयार की है, ये आप देख सकते हैं, ये ट्यूशन सेंटर के लिए ट्यूशन सेंटर भी बनाया हुआ है। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये गरीब बच्चों वगैरह का बहुत ख्याल करते हैं, अगर फीस में किसी का कोई मसला मसाइल हो बहुत कोऑपरेट करते हैं। और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बच्चों को जो है ना तलीम हासिल करनी चाहिए, उस पर इनका ज़्यादा फोकस है, फीस में वो कंप्रोमाइज़ ये कर लेते हैं और तावन भी काफ़ी करते हैं ताकि बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और तलीम हासिल कर सकें। और ये स्कूल की इनकी कामयाबी का राज भी यही है, ये माशाल्लाह कॉपरेट जो है ना वो बहुत करते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और इस एरिए के जितने बच्चे हैं, इसके साथ इस्लामाबाद वैली है, ये नसीराबाद है, और ये क्या कहते हैं ब्रिटिश होम के पूरे बच्चे जो है उनकी कोशिश यही होती है कि इधर ही आएँ। और माशाल्लाह बच्चे आते भी हैं, तादाद भी इनके पास ठीक है, और बच्चे जो है रिज़ल्ट भी सही दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं स्कूल से बाहर निकल रहा हूँ, साथ ही खलील रहमान प्लाजा है, माशाल्लाह बड़ा प्लाजा है, इसके साथ ही खटक स्टोर है, इसके ऑनर हैं तारिक साहब, आपको इनसे भी मिलाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, इस्लामाबाद वैली के प्रेसिडेंट साहब भी हैं ये। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है? ठीक है सर, और सब खैरियत है? कैसा काम शाम जी? माशाल्लाह माशाल्लाह जी बड़ा स्टोर है, और ये भी माशाल्लाह बड़ा कॉपरेट करते हैं, और इनके पास जो है ब्रिटिश होम के काफ़ी कस्टमर हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है ये भी। तारिक साहब इधर देखे, कैमरे की आँख आपको देख रही है, क्योंकि आपका मुस्कुराता चेहरा जो है मेरा दिल है कि ये वीडियो में दिखाया जाए, आपको यूट्यूब में भी लगाएंगे इंशाल्लाह। आपको कैसा लगा जी? माशाल्लाह जुमे का दिन है जी क्या बात है जी, बहुत अच्छे इंसान है जी। माशाल्लाह इनका भी काम मैंने देखा, ये छोटे स्टोर से इन्होंने शुरू किया था, आज अल्लाह पाक ने इनको बड़ी बरकत दी है और बड़े स्टोर से नवाजा है माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान की मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत तो काफ़ी करते हैं, और ये सुबह मेरा ख्याल 6 बजे स्टोर खोल लेते हैं, रात को 12 बजे तक बंदे भी चेंज होते रहते हैं, और ये दुकान जो तकरीबन 12 बजे तक रात को खुली रहती है। आपको पता है ये जो कैश एंड कैरी बड़े स्टोर हैं ये रात को लेट ही बंद होते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं खटक स्टोर से बाहर निकला हूँ, उसके बाहर आया हूँ, बाहर एक फ़िल्टर प्लांट है, वो बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं। और माशाल्लाह जी इस महल में अपनी मदद अपने तहत लोगों ने बड़ा काम किया है, और माशाल्लाह कामयाब भी हुए हैं। ये गार्ड वगैरह भी इन्होंने रखे हुए हैं। ये अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह जी। गार्ड साहब बड़े, क्या नाम है? अख्तर नवाज़ जी। अख्तर नवाज़ साहब बड़ी ड्यूटी दे रहे हैं,
और ये सामने केबन भी बना के दिया इन्होंने महल्ले वालों ने। और ब्राय मेहरबानी फरमा कर अपनी शिनाख्त कराएं और सिक्योरिटी अमले के साथ तावन करें। आपके साथ तावन वगैरह करते हैं माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह इस महल्ले में सबसे बड़ी खूबी यही है कि इन्होंने माशाल्लाह अपनी मदद अपने तहत काफ़ी काम किया है और ये रोडें वगैरह भी सही की हैं। और मैं दिखाने वाली बात यह है कि मैं बाहर निकला हूँ माशाल्लाह सरसब्ज़, ये आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश का तो मुझे नहीं पता क्या है, एक बाजरा होता है, एक चरी है, ये चरी की फसल है। पहले ये काफ़ी होती थी, अब तो ऐसे एरिया में भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गई है और बड़े बड़े माशाल्लाह घर बन गए हैं। ये आप देख सकते हैं एक टाइम में ये खाली इलाका था, सिर्फ फसलें ही होती थी, अब तो इसके साथ फसल भी है, साथ जड़ी बूटियाँ भी है और माशाल्लाह बड़े बड़े घर भी बने हुए हैं। और राइट साइड पर जाएँ तो एक माशाल्लाह बड़ा मदरसा भी है इधर, और ये रास्ता जो है सीधा आगे ब्रिटिश होम में जा रहा है। आप देख रहे हैं आज जुमा था और जुमे की छुट्टी की है, घर में टाइम गुजारा है, घर में बल्कि मसरूफियत ही रही है और चीज़ें पूरी करते रहें, कभी वो ले और कभी वो, अभी ये दूध लेके आए, अभी ये दुकान की कुछ चीज़ें हैं ये लेनी है, अभी ये लेने लगा, तो इस तरह सारा दिन इसी तरह गुजर गया। चार सौ सत्तर रुपए यार, आपने तो अभी तो रात को तो पेट्रोल बढ़ा है, आपके पास तो चीजें ये पहले की पड़ी हैं, आपने एकदम बढ़ा दी हैं। हमारा जो सामान है ना बहुत ज्यादा है, एक बिस्किट का डब्बा है, एक सेवैया है और छह अंडे दिए हमने, जो कम से कम एक महीने का राशन हमने दिया सिर्फ 470 रुपए का। बड़ी बात है, बड़ी बात है, शुक्रिया। इसमें तो आज की हांडी बनेगी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बड़े अच्छे तरह माशाल्लाह इन्होंने डील किया जी, रेट में थोड़ा सा है, चले अल्लाह खैर करेगा जी। नाजरीन मैंने सामान ले लिया, अभी इनको देते हैं पैसे, अभी निकलते। कितने पैसे बताए आपने? 470 रुपए का पहले दुकान का नाम भी लिया है कि लोग पता चल जाए। हाँ जी जी जी, खटक स्टोर के नाम पे दुकान है, न्यू काशिफ खटक स्टोर। काशिफ तो लगता चला गया, वो तो आजकल इधर नहीं होता। अच्छा अच्छा, चुप। ये हम क्या, हम क्या है तो हम ले रहे हैं अंकल। ये आप देख रहे हैं मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, अभी ड्राइंग रूम में पहुंचा हूं तो आगे मोहम्मद बिलाल जो है ये अकेला ही बैठा हुआ है, इससे पूछते हैं ये अकेला क्या कर रहा है। मोहम्मद बिलाल क्या कर रहे हैं अभी? आपकी वीडियो देख रहा हूं। क्या बात है जी, ये एलसीडी पे वीडियो लगी हुई है जी माशाल्लाह, दी मैनेजर ग्रुप की, कह रहा मैं वही देख रहा हूँ, ये वाकई लगी हुई है। तो आज जो है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आज मैंने की है छुट्टी, आज की मसरूफियत कुछ इस तरह रही है। सबसे पहले जो दिन का आगाज़ किया है बिजली के बिल से किया। मोहम्मद बिलाल आप भी इधर आ जाइए, हाँ इधर आ जाए, इधर आ जाए, शाबाश। आज जो दिन का आगाज़ किया है बिजली के बिल से किया है, उसके बाद मोहम्मद बिलाल की स्कूल की फ़ीस जमा कराई है, उसके बाद आज जुमा मुबारक था, जुमे की नमाज़ पढ़ी है क्योंकि मस्जिद हमारे साथ ही है, बाद में टाइम देखा तो टाइम काफ़ी हो चुका था। उसके बाद आपको पता है रात को पेट्रोल का बम गिरा है, यानी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, फिर मैंने सोचा आधी दिहाड़ी पर जाना तो क्या जाना बैरिया टाउन, इतना सफ़र करके, लेबर भी आज छुट्टी पर थी, इसलिए मैंने की है आज छुट्टी फिर। और घर के जो सामान है वो ही पूरा करता रहूँ, घर में छोटे छोटे काम थे वो किए हैं। तो आज की वीडियो जो यहाँ पर करते हैं ख़त्म, दुआओं में याद रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें, हमारे चैनल को लाइक करें और क्या करें, सब्सक्राइब भी करें जी, ये मोहम्मद बिलाल का भी कहना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, हाथ लाओ बेटा, अल्लाह हाफिज़।